हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, 12:30 बज चुके हैं और हम लोग इतनी धूप में मार्केट के लिए निकल गए हैं। इस टाइम मैरिज वगैरह बहुत ज़्यादा है और ये देखिए बाहर कितनी तेज़ धूप है। ये नेट लगाया तो कुछ इससे रिलैक्स मिल रहा, धूप कम आ रही है। हाथ में जा रहे हैं हमारे मियाँ जी। हाय तो बोलो। हाय। एक साथ गिफ्ट्स ले लेते हैं। मई में जितनी भी शादियाँ हैं सबके यहाँ गिफ्ट देने हैं। इवनिंग में जाना है इसलिए सोचा दोपहर को ही ले आते हैं। हम लोग पेंटीनाका आ चुके हैं। पेंटीनाका से लेफ्ट साइड सदर पड़ता है। सदर से होते हुए गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर से ही गिफ्ट्स वगैरह लेंगे। ये सदर का मार्केट है। कटंगा क्रॉसिंग है। यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो गोरखपुर पड़ जाता है। सीधे चले जाएंगे तो ग्वारी घाट, यही रोड है ग्वारी घाट की। रामपुर से होते हुए ग्वारी घाट गोरखपुर का मार्केट है। यहाँ भी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। आगे वहाँ बहुत कंजस्टेड रोड है तो कार यहीं पार्क करके और आगे जा सकते हैं। वहाँ समृद्धि, संपत लाल सबकी शॉप्स आगे पड़ेंगी, लेकिन मुझे आज वहाँ नहीं जाना है, बस यहीं काम है। जेके कॉम्प्लेक्स के अंदर शॉप्स बहुत सारी हैं। ये अलौकिक स्टोर्स, यहाँ से मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स लिए। रिजनेबल रेट पर गिफ्ट्स यहाँ मिल जाते हैं। गोल गोल घुमा दिया सीढ़ी को। इनके यहाँ बहुत अच्छे गिफ्ट्स के आइटम्स मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि रीज़नेबल रेट पे मिलते हैं। मैं अधिकतर यहीं से लेती हूँ। पूरी शॉप आपकी बिल्कुल गचागच भरी रहती है। आप अपना एड्रेस बता दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लौकिक स्टोर्स अपोजिट गोरखपुर पेट्रोल पंप, जेके कॉम्प्लेक्स। ओके, आप कितने सालों से चला रहे हैं? ये तो 22 साल हो गए हैं। अच्छा, बहुत पुरानी शॉप है। सस्ता महंगा जैसा भी चाहिए आपको गिफ्ट के आइटम सब मिल जाएंगे। घर के यूज़ के लिए भी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल रहती है। बहुत ज़्यादा इस समय धूप हो रही है, गिफ्ट्स ले लिए। चलो अब घर। अब और कहीं चलना है क्या? अरे जल गए, कार कितनी गर्म है। इसे चालू कर लो जल्दी से। गोरखपुर से ये हाउबाग रोड पकड़ लिए। ये नई रोड बनी है अभी, जयंती कॉम्प्लेक्स वाली रोड है ये। अभी बहुत ज़्यादा गड्ढे थे इस रोड में। एक वीडियो में मैंने बताया भी था, इस रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। अब हमारे यहाँ से धूप चली गई क्योंकि अब हम लोग अपोजिट साइड हो गए हैं। अब धूप उधर से आ रही है तो अच्छा लग रहा ना। बहुत ठंड हो गई। पूरा गर्म लग रहा था भाई। ये एम्पायर लॉन, इसका मैंने वीडियो डाला था, इसको ज़रूर चेक करिएगा। आ गया है राजुल टाउनशिप, क्लब हाउस है। ये राजुल टाउनशिप में प्रोफेशनल ड्राई क्लीनर्स ये शॉप है। यहीं प्रेस के कपड़े देने आते हैं। जब भी कोई यहाँ से निकलता है रास्ते में ही पड़ता है, उठा लेते हैं और दे भी आते हैं। बहुत अच्छा प्रेस करता है। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 6:15 बज चुके हैं और मैं मार्केट से आ गई थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा धूप लग गई जिसकी वजह से नींद आ गई और मैं सो गई। तो फिर इडली बनाई नहीं, जस्ट अभी इडली बनाई हूँ। इडली सांभर चटनी सब रेडी हो गया। गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये इडली तैयार होती है क्योंकि ये जो इसका बैटर है ना वो रेडीमेड ही मैंने लिया था। तो इस इडली को बनाना बहुत ही आसान है। जो जबलपुर में रहते हैं उनको पता होगा, इंदिरा मार्केट में केरला स्टोर है, उसका बैटर बहुत ही अच्छा रहता है। ये चटनी है, मूंगफली, नारियल, लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, ये सब डाल करके पानी के साथ पीस दिया है, इसको फ्राई नहीं किया है। और ये है सांभर, इसमें कद्दू, फराज बीन और गाजर डाला है और तुअर की दाल है और इसमें एवरेस्ट का सांभर मसाला भी डाला है और प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बना करके उसको बघार दिया है। ये लोग बहुत भूखे थे तो लस्सी बनाई। फिर आज हम लोगों को एक मैरिज में भी जाना है तो सब घर से ही खा पी के जाएंगे। पता जा रही हूँ, उसके लिए मैं रेडी हो गई। मैंने इस तरह का एक सूट डाला है, नॉर्मल सा सूट है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने एक नॉर्मल सूट डाला है। उसमें एक ऐसी मैंने चुन्नी डाल दी है, इसकी वजह से सूट का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। सर नॉर्मल सा पहना आपने? हाँ, गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है। गिफ्ट रेडी, गिफ्ट में नाम वगैरह सब लिख गया?
ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की बॉटल। शूज़ पहनोगी कि सैंडल? जो तुमने अभी लिया है चप्पल हील वाली, वो कब पहनोगी? मैं दादा दादी से मिलने जा रहा हूँ और साथ में 2 घंटे के अंदर, रात को 11:30 ट्रेन है और वहाँ पे अनुभव सिंह बस्सी का शो है, मतलब आएगी। कौन है वो? अनुभव सिंह बस्सी, कॉमेडियन स्टैंड अप। अच्छा, तो कल का है? 5 तारीख का शो इंदौर में है। रैन बसेरा रिसोर्ट में हम लोग आए हैं, इधर मैरिज है। Yeah.